पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। कुरुंथियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 2 कहता है, आप लोग ईसा मसीह द्वारा पवित्र किए गए हैं और उन सबों के साथ संत बनने के लिए बुलाए गए हैं जो कहीं भी हमारे प्रभु ईसा मसीह अर्थात अपने तथा हमारे प्रभु का नाम लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कई बार हम हमारे पापों के कारण प्रभु से डरने लगते हैं और उनकी उपस्थिति में नहीं जाना चाहते हैं, परंतु वचन कहता है कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो यदि हम प्रभु का नाम लेते हैं तो हम उनके द्वारा पवित्र किए गए हैं और संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। प्यारे विश्वासियों, संत कौन होते हैं? संत वे नहीं होते जिन्होंने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया है, परंतु वे होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि पापमय परिस्थिति में भी प्रभु का हाथ नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद जो प्रभु के हृदय के बहुत निकट था, जब वह बैतशेबा के साथ अपराध करता है वह तब भी प्रभु का हाथ नहीं छोड़ता है, वह पश्चाताप करता है, अपने पापों को प्रभु के समक्ष रखता है। आइए हम भी दाऊद के समान अपने पापों को ईश्वर के सामने रखते हुए एक साथ मिलकर बोले, ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर। तू दया सागर है मेरा अपराध क्षमा कर। तू दया सागर है मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए इस सुंदर से गीत को गाते हुए उसे महिमा प्रदान करें। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे पिता ईश्वर, मुझे माफ। मैं अपने हृदय को तेरे सामने खोलता हूँ प्रभु, मुझे माफ कर दे पिता ईश्वर। पिता तेरे चरणों में आओ, आज हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। महिमा मुझे, हमें तेरी महिमा करना सिखा प्रभु। तेरे चरणों हमें पवित्र करते हुए तेरी महिमा करना सिखा प्रभु। तेरी महिमा मुझे सिखा दे, तेरी महिमा करना 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 मुझे। आइए हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए इस गीत को गाएं, अपने पापों के प्रायश्चित को प्रभु की स्तुति आराधना में बदलते हुए इस गीत को गाएं, अपने हृदय को खोलते हुए प्रभु के सामने रखते हुए इस गीत को गाएं। धन्यवाद यीशु पिता।
संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 7 कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आज वह समय है जहां हमारे पापों के प्रायश्चित के द्वारा हमारे नाम से स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 10 कहता है, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। इस वक्त हम चाहे कितने ही ऊंचे मुकाम पर क्यों ना हो, हम सभी पापी हैं। आइए हम एक साथ मिलकर अपने आप को प्रभु के सामने रखते हुए अपने को दीनहीन बनाएं। उस पापिनी स्त्री के समान जिसने प्रभु के चरणों पर गिरकर रो रोकर उनके चरणों को भिगो दिया था और अपने केशों से पोछा था। प्यारे प्रभु, हम भी उसी पापिनी स्त्री के समान तेरे चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, आंसू बहाते हुए अपना सिर झुकाते हैं प्रभु, और घुटनों पे आकर इस पापमय परिस्थिति में उस पापिनी स्त्री के समान तुझसे प्यार करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आज हम हमारे पापों के प्रायश्चित को प्रभु की स्तुति आराधना में बदले और अपने हृदय को उनके सामने खोलते हुए उनकी स्तुति आराधना करें। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। तेरे चरणों में मैं हाथ उठाऊं, उस पापिनी स्त्री के समान प्रभु तेरे चरणों पे अपने आप को समर्पित करते हैं यीशु। मैं सिर झुकाऊं, अपने सर को झुकाते हुए प्रभु तेरे चरणों में मैं आंसू बहाते हुए हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं प्रभु। तेरे चरणों जिसने हमें तुझसे दूर किया था यीशु, मैं घुटने में आऊं, मुझे माफ कर दे खुदा। यस लॉर्ड, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा। प्रायश्चित से अपने हृदय को भरते हुए मुझे माफ कर दे पिता। धन्यवाद पिता ईश्वर। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता हमसे दूर नहीं है, बल्कि अपने वचन के अनुसार हम जैसे टूटे हृदय वालों के सबसे करीब है। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी भी पाप में इतनी शक्ति नहीं है जो हमारे पिता का प्यार हमारे लिए कम कर दे। उड़ाओ पुत्र जब अपने पिता से अपने पापों की वजह से दूर हो जाता है और जब उसे अपने पापों का प्रायश्चित होता है तो वो डरने लगता है, वो अपने पिता से डरने लगता है। वो कहता है कि मुझे अपने नौकरों के समान रख लीजिए, पर उसके पिता को वो मंजूर नहीं था। और जैसे ही वो अपने पुत्र को देखता है वो उसके लिए दौड़ता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए हम भी अपने पिता की ओर लौट चलें जो तरसते हुए हमारा इंतजार करता है और गले लगाने के लिए हमारी राह देखता है। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 9 कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए आज हम अपने पिता से हमारे लिए क्षमा मांगे और हमें क्षमा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम हमारे पूरे दिल से अपने पिता को ढूंढे और हम उन्हें पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आइए हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए स्वर्ग के द्वार को खटखटाएं और स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे पापों का प्रायश्चित प्रभु की सबसे अधिक महिमा प्रकट करता है। आइए हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए प्रभु को पूरी महिमा और सम्मान प्रदान करते हुए उनकी स्तुति आराधना करें। मैं अपना अपराध तेरे सामने स्वीकार करता हूँ।
के ठुकरा दिया, मुझे माफ कर दे। इसमें प्यारे विश्वासियों, इस वक्त चाहे आप कितने ही गहरे पाप के गड्ढे में क्यों ना गिरे, प्रभु का प्यार उस सामर्थ्य को रखता है कि वो आपको उस गड्ढे से खींच कर बाहर निकाल देगा। आइए हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए, पिता की स्तुति आराधना करते हुए उसे महिमा प्रदान करें। हालेलुया लॉर्ड जी, हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हृदय को खोलते हुए उसकी स्तुति आराधना करें, अपने पापों को उसके सामने लाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो ईश्वर वो सामर्थ्य रखता है कि वो हमें उस पाप के गड्ढे से निकाल कर अपने समक्ष बुलाता है। हालेलुया 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 लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। मेरे पापों के प्रायश्चित के द्वारा तेरी स्तुति आराधना हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक बार फिर से तेरी आराधना प्रेम से भरते हुए अपने पापों को उनके सामने लाते हुए इस गीत को गाएं। मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा। तेरी स्तुति हो प्रभु, मुझे माफ कर दे मेरे प्रायश्चित के द्वारा, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा। मेरे हृदय को साफ करने के लिए मुझे माफ, मुझे पवित्र करने के लिए पिता, मुझे संतों की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 43 से 45 तक। ईश्वर का यह प्रताप देखकर सबके सब विस्मय विमुग्ध हो गए। सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी, इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इन वचनों की शुरुआत में ही पढ़ते हैं जहां पर ईश्वर का यह प्रताप देखकर सबके सब विस्मय विमुग्ध हो गए और सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे। प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं प्रभु सबसे पहले भीड़ का दृष्टिकोण देखते हैं और उसके बाद वह धीरे से शिष्यों पर आते हैं। हम पढ़ते हैं कि जो भीड़ थी वे सब के सब प्रभु का प्रताप और प्रभु के इन आश्चर्य कर्मों को देखकर बहुत ही विमुग्ध हो जाते हैं, विस्मय हो जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, और हम देखते हैं कि प्रभु के शिष्यों पर भी इन सब बातों का असर होता है। वे सिर्फ बाहरी शान, बाहरी रूप से जो प्रभु कार्य कर रहे हैं, जो चमत्कार कर रहे हैं और जो प्रभु का जो रूपांतरण होता है, इन सब चीज़ों को देखकर उनके मन में एक अलग ही प्रभु की रूपरेखा अंकित हो जाती है। वे सोचते हैं और यह मान लेते हैं कि अगर हम प्रभु येसु का अनुसरण करेंगे तो हमें बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें प्राप्त होंगी, हमारा अच्छा नाम होगा, हम कई प्रकार के चमत्कार कर पाएंगे और हमें लोग जान पाएंगे। प्यारे विश्वासियों, मैं आपको एक बात की तसल्ली दे सकती हूँ, वो ये है कि छोटे होने में जो मज़ा है वो बड़े होने में नहीं है। प्रायः हम सभी में अधिक से अधिक वर्षों तक जीने की इच्छा होती है। जब प्रभु येसु इस संसार में आए,
वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अपना जन्म, अपने मृत्यु की तारीख, कहां पर उनकी मृत्यु होगी, कैसी उनकी मृत्यु होगी, इन सब के बारे में उन्हें पहले से ही पता था, जो कि हम में से अधिकांश लोगों को पता नहीं होता। प्रभु येसु ने अपने मृत्यु की घोषणा अपने शिष्यों के बीच यह दूसरी बार की थी। उन्होंने कहा था कि तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु शिष्यों को उनकी यह बात समझ नहीं आई। आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा कि शिष्यों को यह बात समझ में नहीं आई? कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे मन में कुछ दूसरी ही चीजों को या कुछ ऐसी प्राथमिकताओं को जगह दे देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वह कहीं दबकर रह जाता है। साथ ही साथ जब हम जीवन में कई प्रकार के दुखों का सामना करते हैं, उस समय हम पहले ही हार मान लेते हैं। प्यारे विश्वासियों, आज जब हम इन वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, हम अपने जीवन के दुखों पर भी मनन चिंतन करें। हम उन तकलीफों को याद करते हुए प्रभु को इस वक्त उन सभी तकलीफों के लिए धन्यवाद दें। जब येसु शिष्यों के साथ थे, तब शिष्यों को यह बात कभी समझ में नहीं आई कि प्रभु उनसे क्या कह रहा है। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में पढ़ते हैं, एमाउस जाने वाले शिष्यों को दर्शन। उसमें हमें पता चलता है जब प्रभु इन शिष्यों के साथ थे, तब उन्हें मालूम पड़ता है कि धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, प्रभु के दुखभोग के बारे में, प्रभु के पुनः जी उठने के बारे में धर्म ग्रंथ उनसे क्या कहता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हमें पता नहीं होगा कि हम इन दुखों को क्यों झेल रहे हैं, हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों आ रही है, लेकिन अगर प्रभु हमारे साथ है, हम उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं, तब प्रभु हमारे लिए रास्ते खोल देते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए अपनी सारी समस्याओं को उसके पैरों तले रखते हुए, प्रभु मैं जो हूँ जैसा हूँ तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे दिल में, मेरी आत्मा में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में तू आ जा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु, कर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे, दुआ कर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। प्यारे भाई और बहनों, सन्मति के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से हम अर्धांग रोगी को मिलते हैं जो बहुत बीमार था, लेकिन उसके दोस्त बहुत अच्छे थे जिन्होंने उसे उठाकर प्रभु के पास ले आए। जब वो प्रभु के पास पहुंचा तो उसने देखा कि घर में जगह नहीं है, और उसके दोस्तों ने बहुत मेहनत करते हुए छत को फाड़ते हुए उसे प्रभु के सामने रख देते हैं। क्या हमने कभी सोचा है
उस अर्धांग रोगी के मन में क्या चल रहा होगा। हमने उसके दोस्तों के कार्यों के बारे में देखा, लेकिन अर्धांग रोगी के मन की अवस्था को क्या हम जान सकते हैं? शायद वो मन ही मन आशा करता होगा, प्रभु मैं बीमार हूँ, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मैं चंगा होना चाहता हूँ। मेहनत करते हुए दोस्त उसे उस घर ले जाते हैं, लेकिन जब बाहर उसे पलंग पर लेटा देते हैं और घर के अंदर प्रवेश करने के लिए जगह नहीं और दोस्त उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, उस अर्धांग रोगी ने जरूर सोचा होगा, यहाँ पर आकर प्रभु मुझे क्या वापस जाना पड़ेगा? क्या प्रभु आप मुझे चंगा नहीं करेंगे? क्या आप मेरे जीवन को स्पर्श नहीं करेंगे? उसके मन में अपने आप से नफरत, उस अवस्था से नफरत, उस रोग से नफरत। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी हम प्रभु तक नहीं पहुंच पाते हैं। और यहाँ पर प्रभु उसके विश्वास को देखते हैं, उसके दोस्तों के विश्वास को देखते हैं, जिन्होंने मेहनत कर उसे प्रभु के सामने लेकर आए थे। प्रभु उस अर्धांग रोगी से कहते हैं, अपनी चारपाई उठाओ और घर चले जाओ, तुम्हारे पाप सारे क्षमा हो चुके हैं, तुम धैर्य रखो। उस अर्धांग रोगी की उस अवस्था को प्रभु देखते हैं जो उसके दोस्तों ने नहीं देखा था, उसकी पाप की अवस्था को प्रभु ने देखा है, इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं, धारस रखो। प्यारे भाई और बहनों, आज हम जब प्रभु के सामने हैं, बाहरी रूप से हम बीमार हैं, पीड़ित हैं, हमारे परिवार में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रभु हमारी आत्मा को देखता है। आइए हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, अपनी आत्मा की दशा को प्रभु के सामने रखें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा परिवार, मेरा जीवन, हम सब चंगे होने चाहते हैं। इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करें बहन लविना के लिए जो कैंसर से पीड़ित है। प्रार्थना करते हैं रोशन, संगीता टिग्गा, थॉमस लिंगम और राहुल मिंच के लिए। प्रभु जी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से इन्हें चंगाई दीजिए। ओ प्रभु इनके मन की अवस्था को आप देखिए, जिस प्रकार आपने हर एक रोगी को मन, शरीर और आत्मा तीनों को स्पर्श किया, उसी प्रकार इन्हें भी स्पर्श कीजिए। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से प्रतीक के लिए, ताकि वे पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होकर प्रभु जी अपने जीवन में आपका सामर्थ्य देख सके, उसकी पढ़ाई में उसे आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सुशीला मार्को के लिए, प्रभु जी हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से उसे पूर्ण चंगाई दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, हम आज प्रार्थना करें हमारी मन की दशा को प्रभु को बताए, प्रभु से कहे मेरी अवस्था यह है, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, मेरे मन में यह दुख है, मेरे मन में यह गिल्ट फीलिंग है, मेरे मन में यह डर है, मेरे मन में साहस नहीं है, मेरे मन में प्रभु ईर्ष्या है, मेरे मन की जो दशा है हम प्रभु के सामने रखे। अपने दोनों हाथों को प्रभु के सामने खोल कर रखते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, यीशु आराधना, 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 स्तुति, 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 आराधना, आराधना, यीशु आराधना, 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 हालेलुया, जीसस, जीसस, यीशु आराधना, 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 तेरी स्तुति, 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 हर एक परिवार में, हर एक व्यक्ति के जीवन में, ओ प्रभु आप आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हमारे मन की दशा को देखने वाले प्रभु हमें स्पर्श कर कर हमें चंगाई दीजिए। जीसस, जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। पापों से मैं बलहीन हुआ, तुझसे बहुत मैं दूर हुआ। Yes Lord, पापों से मैं बलहीन हुआ, तुझसे बहुत मैं दूर हुआ। Jesus, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझ पर दया करो। मेरे दिल
प्यारे प्रभु जी, हम हमारे शारीरिक रोगों को प्रभु को समर्पित करें, सिर से पांव तक हमारे शारीरिक बीमारियों को इस नित्य आराधना में परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु के सामने हम समर्पित करें। सिर से पांव तक सिर की बीमारी, आंखों की बीमारी, शोल्डर्स बोन्स की बीमारी, कानों की बीमारी, थ्रोट चेस्ट, ऑल आर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम, हमारे स्किन्स की बीमारी, सारी बीमारियों को, मसल्स में जो पेन होता है, सारी बीमारियों को प्रभु को समर्पित करें। जिस तरह प्रभु इस अर्धांग रोगी के लिए सभी लोगों के सामने उसके लिए चमत्कार करते हैं, उसके लिए खड़े हो जाते हैं, लोग बहुत सारे प्रभु को वहाँ पर दोष देते हैं, लेकिन प्रभु उस पर दया दिखाते हुए उसे चंगा करते हैं। जब भी प्रभु किसी को चंगा करता है, प्रभु उसके मन को, शरीर और आत्मा को चंगा करना चाहता है, उसके मन को परिवर्तन करना चाहता है। ऐसा कोई भी हीलिंग नहीं होगा जो सिर्फ शारीरिक होगा। जब प्रभु चंगा करता है, वो हमें एक होलिस्टिक हीलिंग देते हैं, मन, शरीर और आत्मा। यही बात संत पौलुस तसलोनियों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 23 में कहते हैं कि वह प्रभु चाहता है कि हमारे मन, शरीर और आत्मा स्वस्थ रहे। तो जब प्रभु आपको चंगा करता है, शारीरिक बीमारियां अकेले नहीं, वो आपकी आध्यात्मिक, आपके मानसिक, आपकी आत्मा के सारे बीमारियों को चंगा करता है। और प्रभु से हमें ये कहना पड़ता है, प्रभु मेरी दशा यह है। हमें विनम्र होकर प्रभु के सामने अपनी दशा को रखना है। कहते हैं डॉक्टर्स और वकील्स के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कई बार हम प्रभु के सामने झूठ बोलते हैं। हम सिर्फ अपना एक ही रिक्वेस्ट प्रभु के सामने रखते हैं। आइए कोई लज्जा के बगैर उस रक्तस्राव स्त्री के समान जो उस भीड़ के अंदर प्रभु का स्पर्श करती है, उस कुष्ठ रोगी के समान जो समूह में आना उसके लिए मना था, फिर भी वो प्रभु के पास आते हुए प्रभु से पूछते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और वह कहता है, मैं शुद्ध होना चाहता हूं। इस विश्वास के साथ जिस तरह प्रभु ने उसे हाथ लगाकर स्पर्श करते हुए चंगा किया, हम प्रार्थना करते हैं सौम्या मेरी के लिए, जिन्हें सभी प्रकार की शारीरिक बीमारियों से प्रभु चंगा करता है। हम प्रार्थना करते हैं शेमा शेफाली के लिए, स्टमक इन्फेक्शन से प्रभु ने चंगाई दीजिए। उषा टोपो के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिनके ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर में उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। हरमीना लकड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें स्पर्श करते हुए उन्हें चंगाई दीजिए। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस क्षण हमारे साथ इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, उनके जीवन को समर्पित करते हैं, मन की अवस्था को समर्पित करते हैं, उनके पास्ट को समर्पित करते हैं, मानसिक अवस्था को समर्पित करते हैं, आध्यात्मिक अवस्था को प्रभु हम समर्पित करते हैं। प्रभु जी, आपने कहा एक्सोडस 15:26, आई एम द गॉड हु हील्स यू। विश्वास करें, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस विश्वास के साथ इस आराधना के दौरान, आशीष के दौरान हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को, मेरे परिवार को, मैं जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु उस व्यक्ति को भी इस क्षण इस आशीष के द्वारा आप चंगा करें। प्रभु जी, जिस तरह आपको रक्तस्राव स्त्री पर दया आई, जिस तरह आपको इस अर्धांग रोगी पर दया आई, जिस तरह आपने कुष्ठ रोगी को चंगा किया प्रभु, उस प्रकार जिस तरह आपने लाजरस को जिलाया प्रभु, उस प्रकार मेरी इस मृत अवस्था से मुझे चंगाई दीजिए प्रभु। इसके लिए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु आराधना, 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 तेरी स्तुति, 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 आला हालेलुया। Yeshua aradhana 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 we worship Jesus 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 teri stuti 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 aradhana aradhana Yeshua aradhana uska naam lekar uski stuti kare Yeshua 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 aradhana Yeshua stuti Yeshua stuti Yeshua aradhana Yeshua stuti Yeshua aradhana Yeshua stuti Yeshua Yeshua aradhana aradhana thank you Jesus 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 hallelujah Jesus Jesus तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे,
आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे।